अस्सलाम वालेकुम, हम आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आखिरी हिस्सा इस्लाम 360 का। उम्मीद है आपको इस सारे कोर्स में, इस सारे जो ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सजेशंस के लिए कमेंट ज़रूर दें। अब हम इस्लाम 360 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अब यहाँ पे ढूंढना है आइकॉन बटन। आइकॉन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन्यू है, आप इसे मुलाहिज़ा करें। अबाउट अस, अबाउट अस, आप इसके मुतालिक जान सकते हैं कि इसमें क्या है। वो तो हम पहले ही जानते हैं, इस्लाम 360 यानी कि ये इस्लाम के मुतालिक है। इसके आगे क्या है? सपोर्ट इस्लाम 360, ये उन लोगों के लिए फीचर दिया गया है जिन दोस्तों को एड्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं, और जो दोस्त एड्स को ख़त्म करना चाहें वो इस ऑप्शंस को देख सकते हैं। हम इसे मुलाहिज़ा कर लेते हैं। इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो YouTube आ जाएगा और इस्लाम 360 का चैनल हमारे सामने आ जाएगा। वीडियो चलने लग जाएगी जिसमें यही बात बताई है जो मैंने आपको बताई है। इसमें उन्होंने बताया है, हम यहाँ से सुन लेते हैं। तो अब यहाँ पे YouTube आ गई है वीडियो। जी, तो ये तरीक़ाकार है किसी भी ऐप को परचेज़ करने का, किसी भी ऐप से ऐड रिमूव करने का। ठीक है, तो आप अपनी सिम से पैसे कैसे कटवा सकते हैं? अपने जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू जो आपने बैलेंस रखवाया होगा, आप उसको ही जो है वो अकाउंट सेलेक्ट करके जितने भी पेमेंट होगी वहाँ से आप पे करके तो अपना जो है वो मामला सॉल्व करवा सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। शेयर इस्लाम 360, यहाँ से हम किसी भी अपने दोस्त को इसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके आगे बहुत ही अहम जो स्टेजेस हैं, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सर्टिफिकेट्स, तो ये सर्टिफिकेट्स हैं जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने इस ऐप को बनाया है, उनके जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अहादीस वगैरह लिखी, तो ये उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। फॉलोअर्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेज हम यहाँ पे मुलाहिज़ा कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम क्लिक करते हुए इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, फॉलो अस, फीडबैक, यहाँ पे आप इन्हें अपना फीडबैक देते हुए इस ऐप्स में अगर कोई कमियाँ कोताहियाँ हैं तो आप बेहतर करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो क्रिएटर हैं इस ऐप के उनका नंबर आपके सामने आ जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। सेटिंग, तो अहम मरहला जो है वो हमारे सामने आ गया है, हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं और आप देखते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग जो है वो इसकी अहम है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने इंग्लिश रखी हुई है, उन्होंने ये बता दिया कि जो वॉइस कमांड्स के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपने रखी हुई है। चूज़ लैंग्वेज, यहाँ से हम लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। तो ये हम लैंग्वेजेस जो है वो हम रख सकते हैं, इंग्लिश या उर्दू। तो हमने जो है वो इंग्लिश ही रखनी है, तो उस पर ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। हम बैक चले जाते हैं, हिजरी डेटा एडजस्टमेंट, यहाँ से आप जो हिजरी डेटा है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी रखना चाहें आप उस पर क्लिक करके रख सकते हैं। रिस्टोर डोनेशन, अगर आपने की हो और आप इसे ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रेयर टाइम एंड अदान्स, यानी कि अजान। तो ये बस यहाँ पे इसकी तो इन्फॉर्मेशन ही है, बल्कि ये लोकेशन जो है ये आप चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। अगर आपने इलाका अपना तब्दील कर लिया है तो आप ये लोकेशन तब्दील कर सकते हैं। समटाइम तो ये होता है कि लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, लेकिन अगर ना हो तो हम इस पे क्लिक करते हुए लोकेशन को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अगर आप तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल ठीक है मैन्यूअल करेक्शन जो है वो, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये ऑलरेडी तकरीबन ऑटोमेटिक ही ठीक होता है, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लोकेशन की अगर ज़रूरत पड़े तो वो आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये भी हमारे मुतल्लिक नहीं है जी। नमाज नोटिफिकेशन जो है वो ऑन अगर हम रखेंगे तो जब भी इशा का टाइम होगा, जिस नमाज का जब टाइम होगा, उस वक़्त अजान की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी और उसका ज़रिया बनेगा आपका मोबाइल। तो ये आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस्लामी वीडियो है ये, और सदक़ा जारिया समझते हुए आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अब किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।